शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से जो आ रही है ईरान से। ईरान से जानिए यह बड़ी खबर। 24 घंटे के अंदर ईरान पर दूसरा बड़ा हमला हुआ है। ईरान के ट्रकों के काफिले पर एयर स्ट्राइक हुई है। सीरिया इराक बॉर्डर पर ट्रकों पर बमबारी हुई है। ईरान के 6 ट्रकों पर प्लेन से बम गिराए गए। कल ईरान के इस्फहान शहर में सैन्य ठिकाने पर ड्रोन से अटैक हुआ था और आज फिर से दूसरी बार हमला हुआ है। सैन्य ट्रक के काफिले पर एयर स्ट्राइक की गई है। सीरिया इराक बॉर्डर पर ये ट्रक थे, वहीं पर बमबारी हुई है। 6 ट्रक थे, वहीं पर प्लेन से बम गिराए गए हैं। एयर स्ट्राइक हुई है 24 घंटे के अंदर ईरान पर। यह दूसरा बड़ा हमला है। कल भी 3 ड्रोन से हमले किए, 2 ड्रोन को तो शूट डाउन कर दिया गया था, तीसरा ड्रोन वहीं पर सैन्य ठिकाने के पास ही ब्लास्ट हो गया। उसकी जिम्मेदारी किसने ली है अभी तक इस बारे में ईरान के रक्षा मंत्रालय की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। लेकिन फिलहाल ये दूसरा ब्लास्ट 24 घंटे के अंदर, उसी ब्लास्ट की तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 6 ट्रकों पर प्लेन से बम गिराए गए हैं 24 घंटे के अंदर ईरान पर। ये दूसरे हमले की तस्वीर, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये कल के उस ड्रोन अटैक की तस्वीर है जो सैन्य ठिकाने पर किया गया था, और आज ईरानी ट्रकों पर जो हमला किया गया है उस ब्लास्ट की तस्वीर भी टीवी स्क्रीन पर आपके दूसरी ओर है। 24 घंटे के अंदर ईरान में 2 हमले हुए हैं। अभी तक किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है और इंटेलिजेंस ईरान की यह नहीं पता लगा पाई है कि इस हमले के पीछे आखिर कौन। देखिए, ईरान में जांच चल ही रही थी कि इस्फहान में ड्रोन अटैक किसने किया। इस बीच आज फिर एक और हमला हो गया। ईरान शनिवार के शॉक से उबर भी नहीं पाया था कि आज फिर धमाकों ने ईरान को दहला दिया। फिलहाल ईरान का फोकस उस दुश्मन पर है जिसने ये डबल अटैक किया है। ये उसी ड्रोन का अवशेष है जिसने शनिवार की रात ईरान को दहला दिया था। ईरान के सेंट्रल शहर इस्फहान में ड्रोन से मिलिट्री ठिकाने को टारगेट बनाया गया था। कैमरे पर धमाका कैप्चर हुआ। ईरान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि 3 ड्रोन से हमले की साजिश रची गई थी। 2 को शूट डाउन कर दिया गया लेकिन तीसरा ड्रोन टारगेट पर ब्लास्ट हो गया। ईरान ने अटैक ड्रोन के अवशेष मीडिया को दिखाए हैं। ईरान के न्यूज चैनल्स पर इंतकाम की धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन ये धमकी किसको है ये क्लियर नहीं है, क्योंकि ईरान की तरफ से अभी तक ये साफ नहीं किया गया है कि हमला किसने किया। शक इजराइल की तरफ भी है। हुर्मुज की खाड़ी और फारस की खाड़ी में बीते दिनों ईरान ने विध्वंसक ड्रिल की थी, जिसके बाद इजराइल के हमले की आशंका तेज हो गई थी। अब ड्रोन अटैक ने फिर से अरब वर्ल्ड में माहौल पूरी तरह जंगी कर दिया है। ईरान को पता है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम इजराइल का पहला टारगेट है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ, कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।